Please don't drink and drive. Drink responsibly. Subscribe, like, share, comment. Hello everyone. Welcome back in my channel Cocktails and Mocktails Factory. This is Amit, your host and dost. आज फिर से लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया रेसिपी और उसके पहले आप सबको दशहरा का ढेर सारे बधाइया हैप्पी दशहरा एंड टू ऑल माय बंगाली फ्रेंड्स शुभेच्छा आशा करी आपनादेर पुजो खूब भालो केटेछे सावधाने केटेछे एवं आगामी बरसों के लिए आप लोग प्रस्तुत और मुझे ये भी लगता है कि आने वाला साल बहुत अच्छा बीतेगा सबका। अभी लास्ट कुछ महीनों से इतना उड़ाई चल रहा था चारों तरफ सब मिलजुल कर, आने वाला साल उम्मीद है सबके लिए बहुत ढेर सारे खुशियाँ और अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो कॉकटेल मैं दिखाने वाला हूँ वो रम बेस्ड है, उसका नाम है रम ओल्ड फैशन। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। मैं ओल्ड फैशन ग्लास ले लिया हूँ, उसमें पहले आइस दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसमें डार्क रम और वाइट रम दोनों मिलाकर 30 ml करके दूंगा। तो आपने देखा मैंने दे दिया इसमें डार्क रम और व्हाइट रम दोनों ही 30 ml करके। सिंपल सिर्फ आपको देना है 1-2 बार स्पून सिंपल सिरप दे दिया इसमें। अब उसको अच्छे से स्टार करना है अराउंड 20-25 सेकंड्स। फाइनली फ्यू ड्रॉप ऑफ फ्रेश लेमन। ये आपका बन गया रम ओल्ड फैशन। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू प्रिपेयर एंड ब्यूटिफुल टेस्ट। सो दोस्त आर रम लवर, जो रम पीना पसंद करते हैं उसका कुछ अलग ही फैन फॉलोइंग है रम का। तो जो रम पसंद करते हैं उसके लिए दिस इज द बेस्ट ड्रिंक आफ्टर दशहरा। सो चलिए टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसे बना है। बहुत अच्छा लग रहा है, पीकर देखिएगा कैसे लगता है और मेरे को जरूर बताएगा मेरा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपको कैसा लगा ये वाला कॉकटेल। एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, जो मैं बार बार बोलता हूँ। लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट, ये आपको करना ही है क्योंकि मैं ये बोलता ही रहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग करते भी है। तो और भी ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, बाकी लोगों को भी देख कर बना कर ट्राई करने के लिए जगह बना दीजिए। तो उसके लिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है। Do it, and another very important thing, don't drink and drive, also drink responsibly. So I hope you have liked the video and see you again, wait for my next video. Till then take care, bye bye.